प्रदेश भर के गोवंश पर लंपी डिजीज बीमारी का कहर छाया हुआ है। इस बीमारी के कारण समूचे प्रदेश की हजारों गायें मौत के मुंह में समा चुकी है, लेकिन अब तक इस बीमारी के इलाज के लिए सरकारी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं अब आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत सिंह ने बड़ी पहल करते हुए इस बीमारी से जूझ रही गायों को बचाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए मंजीत सिंह की अगुवाई में शीतला माता एवं गो हितार्थ जन सेवार्थ ट्रस्ट का गठन किया गया है। यह ट्रस्ट गायों को बीमारी से बचाने के लिए गांव-गांव में दवाइयों का वितरण करेगा और पशुपालन विभाग के डॉक्टरों के साथ मिलकर लंपी से जूझ रही गायों का उपचार भी करवाएगा। मंजीत सिंह का कहना है कि गोवंश सहित सभी मवेशियों का समुचित उपचार हो और उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके, इसके लिए जल्द ही एक बड़ा पशु अस्पताल भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंपी बीमारी एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसकी चपेट में आकर गौ माता काल कवलित हो रही है। दिनों दिन मरती जा रही गायों से जहां पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं गायों के अस्तित्व पर भी संकट उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने गौपालकों और आमजन से इस मुहिम में साथ जुड़कर गायों को बचाने का आह्वान किया है। हमने आज शीतला माता गौ सेवा ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आज गौ माता की सेवा करके हम एक महीने तक गौ माता की सेवा करेंगे। जिस तरीके से कोरोना में सभी भाइयों ने पूरे 36 को हमने साथ दिया कोरोना रोग में, उसी तरीके से ये जो गौ माता का रोग है, इसमें सबको मिलके अपने को गौ माता के रोग को भगाना है और सबको मिलके सब ये कार्य करना है। इस क्रम में हम लोग एक महीने तक अलग अलग जगह जाके हम और हमारी पूरी टीम गौ माता की सेवा करेंगे। उनकी जो भी दवाइयों की आवश्यकता है या इंजेक्शन है या उनके घाव है, वो सब हम लोग करेंगे चिकित्सकों की देख रेख में। हम लोग सभी भाई लोग मिलके और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी गौ माता की सेवा के लिए या जो और भी पशु है, ज़रूरी नहीं है कि गौ माता भी है, जो बीमार पशु है उन सब के लिए हम एक बड़ा अस्पताल खोलेंगे और उसकी जल्दी हम घोषणा करेंगे और आपको जल्दी बताएंगे।